अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास न्यू प्रॉब्लम है। 4 की एक्सपोनेंट पावर x मल्टीप्लाई 9 की एक्सपोनेंट पावर x इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। स्टूडेंट ये देखिए, इनकी दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। जैसे ए की एक्सपोनेंट पावर एन मल्टीप्लाई बी की एक्सपोनेंट पावर एन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी और एक्सपोनेंट पावर एन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये देखिए, ये 4 मल्टीप्लाई 9 और एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 6 एक्सपोनेंट पावर 12। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से करेंगे तो ये 36 और एक्सपोनेंट पावर कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। तो स्टूडेंट अब हम इनको ब्रेक करते हैं। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 और एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वेयर और एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। तो स्टूडेंट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को x से करेंगे तो 6 की एक्सपोनेंट पावर 2x इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। तो स्टूडेंट अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। स्टूडेंट ये देखिए, ये लॉग 6 की एक्सपोनेंट पावर 2 इक्वल टू लॉग 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। आपको पता है जो लॉग के एक्सपोनेंट होते हैं वो लॉग के शुरू में आ जाते हैं, जैसे 2 लॉग 6 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई लॉग 6। ये देखिए, ये दोनों लॉग सेम है, ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे तो 2x इक्वल टू किसके आ जाएगा, 12 के आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल 12 ओवर 2, तो 2 1 2 2 6 12, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन बिकम्स तो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन है 4x मल्टीप्लाई 9 के एक्सपोनेंट पावर x इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इनकी बेस को यानी एक्सपोनेंट अब वो सेम करते हैं। जैसे ये देखें, 4 की एक्सपोनेंट पावर 6 मल्टीप्लाई 9 की एक्सपोनेंट पावर 6, x की वैल्यू है इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। तो इन दोनों की एक्सपोनेंट सेम है, जैसे a की एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई बी के एक्सपोनेंट पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बी और एक्सपोनेंट पावर n लिख सकते हैं। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 9 और एक्सपोनेंट पावर 6 इक्वल टू 6 के एक्सपोनेंट पावर 12। स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा और एक्सपोनेंट पावर 6 इक्वल टू 6 के एक्सपोनेंट पावर 12। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? 36 को आप 6 की एक्सपोनेंट पावर यानी स्क्वेयर और एक्सपोनेंट पावर 6 इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की एक्सपोनेंट पावर 12 इक्वल टू 6 की एक्सपोनेंट पावर 12। तो स्टूडेंट ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट आपसे गुजारिश है, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।